तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, अगर आप शेंजेन टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाहते हो और आपको आपका वीजा रिफ्यूज हो चुका है, सो आप कैसे टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर सकते हो और हम कैसे निकाल सके उसको वीजे का, सो आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। ये आप फ्रेश हो, आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है, अगर आपकी एक से दो कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री आप शेंजेन में करना चाहते हो टूरिस्ट वीजा अप्लाई, आप ऑलरेडी रिफ्यूज हो एक से दो कंट्री में, सो आप कौन सी कंट्री में डालोगे और कैसे उसका वीजा निकलेगा। सो आपको फर्स्ट ऑफ आपको टर्की का वीज़ा ले लेना चाहिए। सो अगर आप ले सकते हो टर्की का वीज़ा ले लो, रशिया का वीज़ा ले लो, आप मल्टी सिटी रूट में फाइल डालो, आपको वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस है। ऑलमोस्ट आप कौन सी कंट्री में फाइल डाल सकते हो, स्विट्ज़रलैंड में फाइल डाल सकते हो, फ्रांस में डाल सकते हो, और आप ग्रीस में फाइल डाल सकते हो, और स्पेन में मत फाइल डालना, स्पेन का वीज़ा अभी नहीं आ रहा और सक्सेसफुल बहुत गंदा चल रहा है स्पेन का। जो भाई लोग बोलते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए शेंजेन के रिगार्डिंग, सो आपको मैं बताने वाला हूँ, और मेरे भाई लोग जो मैं सभी को बोलता हूँ सेम डॉक्यूमेंट चाहिए, और जॉब का आपका जो अगर आप जॉब कर रहे हो उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, और आपका फॉर्म 16 चाहिए, लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए, और 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और आप मैरिड अनमैरिड इसका कोई नहीं मैटर है, आपके कवर लेटर के बीच में आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लिख सकते हो, डे वाइज प्लान के साथ आप उनको दे सकते हो। और भाई आपको कब वीज़ा अप्लाई करते हैं, हम लोग क्या गलती करते हैं सबसे ज़्यादा, हम booking.com को काफ़ी यूज़ करते हैं, booking.com की बुकिंग लगा के उनको दे देते हैं। सो भाई आप डायरेक्ट होटल से बुकिंग करके उनको दिखाओ, आपको वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस हाई हो जाते। सो होटल में डायरेक्ट बुकिंग कैसे होती, सो आपको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि हाँ भाई कैसे पे करके और रिफंड किए जाते पैसे, और जो मेरे भाई लोग बिजनेस करते हैं उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। जो भाई आपके पास बिजनेस रजिस्ट्रेशन चाहिए, आपके पास GST है, ऑप्शनल में आपको बता रहा हूँ, GST आप लगा सकते हो, अगर आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस आप वो भी लगा सकते हो, ये सभी वैलिड है आपको, और आपको लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और आपके पास मिनिमम 5 लाख रुपीज़ होना चाहिए अकाउंट में, और मेंटेन बैलेंस के साथ चाहिए। ये अगर आपके पास नहीं मेंटेन बैलेंस है, सो आप कैसे उनको जस्ट बैलेंस पा के दिखा सकते हो, सो आप उनको बताना पड़ेगा कि आपको पैसा कहाँ से आया, कवर लेटर के बीच में मेंशन करना पड़ेगा, सो आपको हाईलाइट करके स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, और आप उनको खुद बता सकते हो कि हमारे पास इतने पैसे हैं, हमें फ़ंड किसी ने दिए, हमें फ़ंड किसी ने स्पॉन्सर किए, और गिफ्ट हुए फंड कैसे हुए। सो आप उनको बता के उनके डाउट क्लियर करके आप शेंजेन टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हो। जो मेरे भाई लोग फार्मर्स भाई लोग, जो मेरे किसान भाई लोग, उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, सो भाई आपके पास ऑनलाइन जे फॉर्म चाहिए, ठीक है, जो हमारी मंडी बोर्ड की जे फॉर्म होते वो आपको ऑनलाइन चाहिए, और आपके पास जो लास्ट 6 मंथ में चेक के साथ पेमेंट हुई आपकी किसी भी इनकम की, आप उसको दिखा सकते हो, लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपके पास बैंक बैलेंस 5 से 6 लाख होना चाहिए, और अगर आप मैरिड अनमैरिड हो सो उसका कोई मैटर नहीं, आपके ऊपर ही आपके नेम के ऊपर ही जे फॉर्म कट्टे होने चाहिए, और आपको वीज़ा अप्लाई करने में इजीली आपको चांसेस है, और आपकी लास्ट 3 ईयर की ITR चाहिए, और सॉरी भाई आप सभी लोगों को बता रहे हैं कब आप अप्लाई करते हो, आपको 2 साल की ITR चाहिए होती, और जो मेरे भाई लोग फार्मर्स हैं उनको लास्ट 3 ईयर की ITR चाहिए, जो जॉब और बिजनेस कर रहे हैं उनको लास्ट 2 ईयर की ITR चाहिए, और आप वीज़ा डाल सकते हो इजीली, आपको वीज़ा मिल जाएगा, मल्टी सिटी रूट में आप वीज़ा यूज़ करो, आपको बहुत ही सक्सेस रेट अच्छा मिलेगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या मुझसे वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, सो मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं अपना पर्सनल नंबर शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, या अगर आपको कोई इंक्वायरी मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर लेना, सो आपको मैं रिप्लाई कर दूँगा एनी टाइम। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच भाई।